हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वैदिक मैथ के अगले एपिसोड में आ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे 6 फंक्शंस होते हैं ना, उनका जो वैल्यू दिया होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू हमको आसानी से, कभी कभी क्या होता है हम इनका वैल्यू भूल जाते हैं। जब हम इनका वैल्यू भूल जाते हैं तो इनका वैल्यू तुरंत माइंड में रिमाइंड कैसे करें, तो आज हम अपने एक तर्जनी की सहायता से आपको बताएंगे, एक हथेली की सहायता से बताएंगे कि इस 5 फिंगर की सहायता से आप कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को रिमेंबर करें। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं किसको, वैदिक मैथ के अगले एपिसोड को। देखिए हमको जैसे कि ये तर्जनी आपको दिख रहा होगा, ये हथेली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम 0 लिखे, 30 लिखे, 45 लिखे, 60 लिखे, 90 लिखे। आप कहिएगा कि इसके सहायता से आप कैसे बताइएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस का कितना होता है, टेन का कैसे निकालेंगे। तो पहले हम आपको सिखाते हैं साइन का। देखिए यदि हमको साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, फिंगर बिलो, क्या लिखेंगे, फिंगर बिलो बटा 2। अब देखिए फिंगर बिलो का मतलब क्या हुआ, जैसे हमको पूछ दे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखिए साइन 0 के नीचे क्या कोई फिंगर है, क्या इस थंब के नीचे कोई फिंगर है, इस थंब के नीचे कोई फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है, इसका मतलब 0 फिंगर बटा 2। तब किसी भी 0 का रूट करेंगे तो कितना होगा 0, जब किस 0 को किसी भी संख्या से, दुनिया के किसी भी संख्या से 1000, 2000, 5000, 7000, 10000 किसी से डिवाइड कीजिएगा ना, तो वो अपने जैसा बना लेता, क्या बना लेता, 0 बना लेता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप कहिएगा कि साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम तरीका। देखिए अब देखिए साइन 30 का निकालना है तो साइन 30 के नीचे देखिए 30 यहां पे है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 30 कहां पे है, यहां 30 के नीचे एक फिंगर है, 30 के नीचे क्या है, एक फिंगर है, अंडर रूट में क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे बटा 2, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, 1 बाय 2। तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बाय 2 होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाय 2 होता है। आप कहिएगा अब साइन जरा 45 का भी करिए, साइन 45 का, आप देखिए 45 कहाँ है, बीच में, 45 कहाँ है, बीच में, तो साइन 45 के नीचे कितना फिंगर है, कितना फिंगर, 2 फिंगर, साइन 45 के नीचे 2 फिंगर, तो 2 लिख देंगे बटा 2 लिख लेंगे। अब कहिएगा रूट 2 को 2 से कैसे काटिएगा, तो भैया आपको, आप बचपन में सीखे होंगे रूट 2 को क्या लिखते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 लिखते हैं कि नहीं, बचपन में तो बताया गया होगा, जब आप 3 क्लास में होंगे, जब आप हाफ पैंट पहनते होंगे, अब तो फुल पैंट पहनते हैं। देखिए इस रूट 2 से इस, ये रूट 2 क्या होता है, कट जाता है, कितना बचा, 1 बाय रूट 2, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाय रूट 2। अब देखिए हम आपको करके दिखाते हैं 60 का और 90 का भी, 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 का कैसे वैल्यू निकालेंगे, बस इस चीज को रिमेंबर करना है कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर फिंगर बिलो बटे 2, यानी कि रूट अंडर उंगली, निचला उंगली को काउंट करना है, निचला वाला को। अब देखिए जैसे हमको साइन 60 का निकालना है, किसका निकालना है, साइन 60 का, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए साइन 60 के नीचे देखिए एकदम फिंगर को ऐसे, साइन 60 के नीचे देखिए कितना फिंगर, 60 वा यहां पे है, 60 भैया यहां पे है, इसके नीचे कितना फिंगर, 1, 2, 3, तो रूट में क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे बटा 2। तो साइन 60 का वैल्यू हम सीधा जानते कितना होता है, रूट 3 बटा 2 होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 बटा 2 होता है। अब पूछे कि साइन 90 का भैया कितना होता है हो, तो आप देखिए 90 सबसे छप्पर पे है, छप्पर पे बैठा हुआ है ना, कहता है हम खोपड़िए पे बैठा रहेंगे, तो खोपड़ी पे है, तो इस खोपड़ी के सबसे ऊपर से नीचे में कितना फिंगर है, तो 1, 2, 3, 4, कितना फिंगर भैया, 4 फिंगर, तो अंडर रूट में क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे बटा 2। अब एक चीज बताइए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और किसी भी, जब किसी भी संख्या का कोई भी जब फ्रैक्शन हो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर जब समान होता है ना, तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है।
आप कहिएगा कि आप तो साइन थीटा का बताएं, फिर हम कोस का कैसे करेंगे। तो एक चीज यहां, एक चीज और सीख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। जब आप साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू यानी कि साइन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो इसी को जब उल्टा करते चले जाइएगा ना, तो किसका निकल जाएगा आपको, कोसेक का निकल जाएगा। क्या, कैसे निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, कोसेक का, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/ कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया, 1/ कोसेक थीटा। अब हम आपको कॉस का करके दिखाते हैं। देखिए जो हम लिखेंगे ना, इसको थोड़ा सा नोट करते चलिएगा। कॉस थीटा बराबर, तभी हम क्या लिखे थे, अंडर रूट फिंगर बिलो। अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट फिंगर एभव, अंडर रूट फिंगर एभव 2। अब देखिए ये क्या है, सिर्फ इन्हीं चीज को आपको रिमेंबर रखना है, याद सिर्फ इसी को रखना है। अब और सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि हमको कॉस 0° का वैल्यू पूछ दे, किसका वैल्यू पूछ दे, कॉस 0 का वैल्यू पूछ दे। आप एक चीज देखिए, कॉस 0 यहां पे है, 0° यहां पे है ना, 0 के ऊपर कितना फिंगर है, 1, 2, 3, 4, कितना फिंगर है भैया, 4 फिंगर। तो अंडर रूट में क्या ले लीजिए, 4/2। हम बताएं आपको कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हो आप कहिएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2/2 करेंगे तो कितना होगा भैया, 1 होगा। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समान हो तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो कोस 0° का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप कहिएगा कोस 45° का निकालिए, तो सेम प्रोसेस, कोस 45 का हमको निकालना हो ना, क्या लिखा हुआ, फिंगर एबव, 45 कहां पे है, मिडिल में है, इसके एबव कितना फिंगर, 2 फिंगर है, एबव कितना फिंगर है, 2 फिंगर है, और नीचे में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी तुरंत बताएं 2 को क्या लिखते हैं भैया, √2 × √2, 1√2 से 1√2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2, क्या बचेगा, 1/√2। तो कोस 45° का वैल्यू कितना होता है, कोस 45° का वैल्यू 1/√2 होता है। देखिए अब आप कहिएगा कि जरा कॉस 60 का भी निकाल के दिखाइए। आप बताइए कि कॉस 60 के ऊपर, 60 यहाँ पे है, 60° यहाँ पे है ना, आपको दिख रहा होगा 60 यहाँ पे है, 60 के ऊपर कितना फिंगर है, 1 फिंगर है, 60 के ऊपर कितना फिंगर, 1 फिंगर है, 2/2। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/2, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, 1/2 होता है। अब देखिए कॉस 90 का कैसे निकालेंगे, अब बताइए कॉस 90 सबसे ऊपर खोपड़ी पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ ना खोपड़ी पे बैठ के ये तांडव कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई फिंगर है, नहीं है, मतलब 0 फिंगर, कितना फिंगर, 0 फिंगर/2, ये क्या हो जाएगा, 0/2। हम बताएं आपको 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए वो अपने जैसा बना लेता है, यानी कि 0 होता है। अब यहाँ साइन और कॉस को समझ गए, तो आप एक चीज जानते होंगे, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। यानी कि जब कॉस का वैल्यू हमें मालूम, जब उसको पलट दीजिएगा ना, उसका क्या कर लीजिएगा, रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, तो हमें किसका वैल्यू मालूम चल जाएगा, सेक का वैल्यू मालूम चल जाएगा। इसी तरह से जब हम टेन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उससे हमको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, हमको कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम आपको टेन का करके दिखाते हैं। जो चीज आपको नोट करने के है ना भैया, उस चीज को आप नोट करते जाइएगा। सिर्फ देखिए हम जानते हैं टेन थीटा को आप एक दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, टेन थीटा को आप ऐसे भी बना सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना सीख गए। हम आपको साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा बराबर बताए थे फिंगर बिलो 2, बड़का 2। अब देखिए अब क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, फिंगर
एभव बटा टू। देखिए दो से दो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, फिंगर बिलो बटा फिंगर एबव। तो सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन क्या निकलता है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकलता है टेन थीटा बराबर फिंगर बिलो बटा फिंगर एबव। यहां तक समझे? अब देखिए, अब कहिएगा ये फिंगर बिलो फिंगर एबव लिखे, इसको अप्लाई किसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखिए अगर हमको टेन जीरो का वैल्यू पूछते तो टेन जीरो का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए टेन जीरो के नीचे कितना फिंगर है, तो टेन जीरो, जीरो यहाँ पे है, थंब पे है जीरो, तो जीरो के नीचे कोई फिंगर है, कोई फिंगर नहीं है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, जीरो लिख देंगे। अब देखिए टेन जीरो, इसके ऊपर कितना फिंगर है, तो इसके ऊपर वन टू थ्री फोर फिंगर, कितना फिंगर है, फोर फिंगर है। अब देखिए जीरो बटा टू, ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब किसी भी संख्या को जीरो से भाग देते तो क्या हो जाता है, जीरो। तो टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अब इसी तरह से आपको पूछ दे कि टेन थर्टी डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए टेन थर्टी के नीचे कितना फिंगर, टेन थर्टी के नीचे वन फिंगर, टेन थर्टी के नीचे कितना फिंगर, वन फिंगर, और टेन थर्टी के ऊपर कितना फिंगर, तो टेन थर्टी के ऊपर कितना फिंगर है, वन टू थ्री फिंगर। तो वन का स्क्वायर रूट कितना होता है, वन, तो वन बाय रूट थ्री, यानी कि टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, वन बाय रूट थ्री। यहां तक समझे? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि हमको टेन सिक्सटी का वैल्यू निकालना, पहले टेन फोर्टी फाइव का निकाल के दिखाते हैं। तो आपको बताए टेन फोर्टी फाइव कहां पे, मिडिल में। तो टेन फोर्टी फाइव के बिलो कितना फिंगर, टू फिंगर, एबव कितना फिंगर, टू फिंगर। तो सीधा क्या हो जाएगा, रूट टू बटा रूट टू, रूट से रूट टू से रूट टू कट जाएगा, क्या, तो टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। अब पूछे कि टेन सिक्सटी का निकाल के दिखाइए, टेन सिक्सटी का भी निकाल के दिखाते हैं। टेन सिक्सटी दिया हुआ है, तो आप बताइए टेन सिक्सटी के बिलो कितना फिंगर है, तो वन टू थ्री फिंगर, और 1060 के ऊपर कितना फिंगर है, वन फिंगर दिया हुआ, तो रूट थ्री, रूट थ्री, वन का स्क्वायर रूट कितना होता है, वन, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री, यानी कि 1060 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, रूट थ्री हो गया। अब लास्ट वन बचा है क्या, 1090 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए किसका ज्ञात करना है, लास्ट 1090। अब हमको 1090 का फाइन करना है, तो 1090 के बिलो कितना फिंगर है भैया, 1090 के बिलो फिंगर है आपको वन टू थ्री फोर फिंगर दिया हुआ है। क्या 1090 के एबव कोई फिंगर है, 1090 के एबव कोई फिंगर नहीं, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टू बाय जीरो। जब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को जब जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है भैया, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? अब देखिए टेन थीटा का जब आप उल्टा कर दीजिएगा ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है वन बाय कॉट थीटा। जब आप टेन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा ना, उससे हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप आज क्या सीखे, आज आप सीखे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को आसानी से हम कैसे ज्ञात करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।